तो हाँ भाई लोग यार, कैसे उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। आप लोग की लाइफ नंबर उनकी चल रही होगी। तो देखो यार, इस वीडियो में बात करने वाले एक नई तेलुगु मूवी के बारे में जो फाइनली रिलीज हो गई है थिएटर में। पर हाँ, उससे पहले उसका नाम बता दे। नाम होने वाला है इसका सीतारामम। और इसी मूवी का करेंगे रिव्यू। देखेंगे क्या देखने को मिला, इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, इन सब बातों को बताएंगे डिटेल में। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें, तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं दुलकर सलमान प्लस मृणाल ठाकुर, और इनसे अलग है रश्मिका प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर तेलुगु सिनेमा के तरफ से। फिर बात निकल के आती है इसकी कहानी क्या है। तो देखो यार, स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं वैसे, क्योंकि यार स्पॉइलर है। और कुछ ही मूवी के जो पॉइंट है अगर उसको बता दिया तो फाइनली यार आपका मजा खराब हो जाएगा। पर फिर भी यार थोड़ा सा स्टोरी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट होगी और क्या दिखाना चाहेगी। तो स्टोरी यार फोकस करती है एक ऐसे कैरेक्टर पर जिसका नाम होने वाला है अफरीन, जो एक सीतारा कैरेक्टर को ढूंढ रही है एक लेटर देने के लिए, जिसको लिखा है एक राम नाम के कैरेक्टर ने। अब ये सब कौन है और किस तरीके से वो ढूंढती है सीता को, आगे चल के क्या दिखाती है स्टोरी हमें, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी को, जो मिल जाएगी थिएटर में। वैसे मूवी यार पहले हिंदी में भी आने वाली थी, पर मूवी यार हिंदी में रिलीज नहीं हो पाई है। और वैसे यार ये सही किया, एक दो स्क्रीन पर रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर हाँ, इस बात को छोड़ते हैं और बात करते हैं मूवी कैसी लगी, कितनी पसंद आई, कितना मजा आया देख के, पूरा स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने को मिली, इन सब बातों के बारे में। तो अगर पहले बात कर ले इसके कहानी के बारे में और उसके बारे में एक शब्द में बोले तो हाँ यार स्टोरी अच्छी है, पसंद आएगी, 100% आएगी। खासतौर पे सारे हिंदी ऑडियंस को तो यार अच्छी लगने वाली है स्टोरी, इसको यार एक शब्द में बोल सकते हैं कि हाँ स्टोरी पसंद आने वाली है, लगभग यार सभी ऑडियंस को आने वाली है। पूरे स्टोरी का जो प्रेजेंटिंग का तरीका था वो भी यार काफी तक बेहतरीन है, कुछ नया देखने को मिलता है। जिस तरीके से एक कैरेक्टर से स्टोरी चालू होती है और उसके बाद नए नए कैरेक्टर ऐड होते जाते हैं, कभी स्टोरी यार पास्ट में आती है तो कभी प्रेजेंट में, वो चीज आपको अच्छी लगती है। उसके बाद यार यहाँ पे दुलकर सलमान प्लस मृणाल ठाकुर कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया वो बेहतरीन है, और दोनों की केमिस्ट्री जिस तरीके से दिखाई जाती है वो बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली है, और इस पूरे मूवी की लगभग यार हाईलाइट है, वो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वहीं अगर स्क्रीन प्ले के बारे में बात करें तो देखो यार फर्स्ट हाफ में थोड़ी बहुत कॉमेडी के सीन थे जो मुझे इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे, उसको अगर ना भी रखते तो यार काम चल जाता। बाकी यार उससे अलग ना फर्स्ट हाफ ना सेकंड हाफ दोनों में मुझे कुछ खास कमी देखने को मिली नहीं, और ना ही मैंने ऐसा कुछ नोटिस किया। यहाँ पे कैरेक्टर राइटिंग सभी की लगभग यार अच्छी की गई है। वहीं एक बात और है, जो सस्पेंस और ट्विस्ट है यहाँ पे, जिस तरीके से स्टोरी यार कई जगह टर्न करती है वो चीज भी यार बेहतरीन है। एक दो जगह आपको झटके मिलेंगे, सरप्राइज होने वाले हो, गारंटी से होने वाले हो, जिस स्टोरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जिससे यार ऑडियंस कनेक्ट करती है। जिस तरीके से इसमें यार पीओके वाला एंगल डाला गया है और उस चीज को भी यार स्टोरी के साथ जोड़ कर रखा गया है, वो चीज भी यार अच्छी लगती है और एक अच्छा खासा सस्पेंस बनाकर रखती है आपके साथ में, और इसी पॉइंट की वजह से स्टोरी यार अच्छी लगती है। पूरे स्क्रीन प्ले में जो लोकेशन सीन देखने को मिलते हैं, सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है, वो सब चीज यार विजुअल्स देखने को मिलते हैं, ये सब चीज यार अच्छी है। अगर बात करें उसके बैकग्राउंड स्कोर के बारे में तो भाई यार पूरे मूवी का वन ऑफ द बेस्ट प्लस पॉइंट है ये, और बहुत ही बेहतरीन बीजीएम दिया गया इस पूरे लव स्टोरी को, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। अगर बात कर रहा हूँ इसमें एक्टिंग के बारे में तो भाई दुलकर सलमान हो या मृणाल ठाकुर हो, दोनों काम यार बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, दोनों केमिस्ट्री अच्छी लगती है और दोनों अपने काम को बेहतरीन किया है। रश्मिका का काम यार ओके ओके था, और इनसे अलग जो एक्टर देखने मिलते हैं, चाहे यार वेनेला किशोर हो या इनसे अलग और सब, सबका काम यार ठीक ठाक था। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मूवी को यार वन टाइम वॉच बोल सकते हैं, एक अच्छी मूवी है लव स्टोरी के पॉइंट से भी, और एक पाकिस्तान वाला एंगल जो डाला गया वो चीज भी यार अच्छे से दिखाती है और पसंद आएगी। खासतौर पर लव स्टोरी यार अच्छी है, जो केमिस्ट्री सेट की गई है वो चीज यार आपको बेहतरीन लगेगी, कुछ नया फील करवाएगी। तो मेरे हिसाब से यार इस पॉइंट की वजह से आराम से देख सकते हो, मजा आएगा देख के, एंजॉय करोगे, इसकी गारंटी है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है जो कॉमेडी वाला सीन है वो थोड़ा बहुत आपको लेंथी लग सकते हैं, इतने ज्यादा ना हंसाए, पर अगर उन सब सीनों को इग्नोर किया जाए तो बाकी पूरी स्टोरी यार अच्छी है। तो यार मेरे हिसाब से एक बार देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नए वीडियो साथ में।